स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल दलक्ष राहुल में, जहाँ मैं आपके लिए फ्रेश टेबल और फिटनेस से जुड़ी हुई जानकारी लाता रहूँगा। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक पौराणिक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण राजा राम की नगरी ओरछा धाम की यात्रा कराऊंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजा राम मंदिर, ओरछा धाम का राम मंदिर। चलिए आज दोस्तों, आज मैं आपको ओरछा की यात्रा कराऊंगा। दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं राम मंदिर दिख रहा है। एक्चुअली आज कुछ है उसका त्यौहार है, यहाँ मेला लगता है, बहुत श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो कोरोना की वजह से आज जो है मंदिर प्रशासन ने बंद कर रखा है। आज उसका दो दिन कुछ का त्यौहार चलेगा, दो दिन मंदिर के कपाट बंद रहेंगे श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की वजह से। चलिए दोस्तों हम की यात्रा कराते हैं। तो आज मेरी ओरछा की यात्रा में मेरे साथ मेरी बाइक हर्षा है, आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का एक छोटा सा कस्बा है, जो कि भगवान राजा राम के लिए यहाँ स्थित कई सारे मंदिरों के लिए, यहाँ स्थित बैधवा नदी व जामनी नदी के लिए, यहाँ स्थित कई सारी छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। दोस्तों ओरछा कैसे पहुँचा जाए? सड़क, हवाई व रेल तीनों माध्यमों से ओरछा पहुँचा जा सकता है। दोस्तों ओरछा झांसी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से ओरछा जाने के लिए ऑटो, बस व कार आसानी से कम रेट पर आपको मिल जाएंगे। ओरछा झांसी खजुराहो राजमार्ग पर स्थित है। ये ओरछा रेलवे स्टेशन का अंडरब्रिज है, जहाँ से ओरछा के लिए जाया जाता है। दोस्तों झांसी से ओरछा के सड़क मार्ग में पूरे रास्ते में आपको सड़क के दोनों तरफ प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। दोस्तों ओरछा में घुसते ही दूर से ही आपको बहुत ही सुंदर चतुर्भुज मंदिर का नज़ारा दिखाई देता है। झांसी से ओरछा 20 से 25 मिनट का रास्ता होता है। दोस्तों गणेश दरवाजे से होकर आप ओरछा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों ओरछा में बाहर से आने वाले यात्रियों और ट्रेवलर्स के लिए कई सारे लग्जरियस रिसॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। कई सारे सस्ते दामों पर लॉज भी ओरछा में उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों ओरछा में ओयो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओरछा के कुछ अच्छे होटल्स जैसे अमर महल ओरछा होटल बुंदेलखंड, रिवर साइड ओरछा पैलेस, द ओरछा रिसोर्ट। दोस्तों ओरछा मंदिर के बाहर आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें, फूल मालाओं की दुकान, कई धार्मिक पुस्तकों की दुकान और नाश्ते की दुकान दिख जाएगी। यहाँ की तिवारी जी की पूड़ी और सब्जी बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्सर लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर तिवारी जी की पूड़ी सब्जी खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। दोस्तों कोरोना के कारण मंदिर के कपाट हमें बंद मिले। ओरछा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर श्री राम जी को भगवान के तौर पर नहीं, राजा के तौर पर पूजा जाता है। ओरछावासी भगवान श्री राम को राजा के तौर पर मानते हैं। राम राजा टेंपल आपको टेंपल आर्किटेक्चर में नज़र नहीं आता है, यह महलनुमा बना हुआ है। यह हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहां भगवान श्री राम सिटिंग पोजीशन में मिलेंगे। यहां पर भगवान श्री राम को पूजा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी प्रथा है। जहाँ भगवान राम जी बैठे हुए हैं वह पहले महारानी का रसोई गृह हुआ करता था। दोस्तों राजा राम मंदिर से थोड़ा बाएं तरफ चलने पर हमें ओरछा के पालकी महल और सावन भादों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों पुराने समय से ऐसा कहा जाता है कि सावन भादों स्तंभ, जब वर्षा ऋतु में सावन खत्म होता है और भादव शुरू होती है, उस वक्त ये दोनों स्तंभ आपस में मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता था। दोस्तों हरदौल मंदिर के पहले आपको ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी।
बच्चों के खिलौने के लिए भगवान की मूर्तियाँ, कड़े, हजौल बाबा की तस्वीर, दोस्तों पुक्के मेले की वजह से बाबा हरदौल का दरबार भी बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं अब आपको चतुर्भुज मंदिर की तरफ ले जाता हूं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चतुर्भुज मंदिर की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज मंदिर ऐतिहासिक, पुरातत्वीय व धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। राजा मधुकर शाह ने 1554 से 1592 ईस्वी में इसे महारानी गणेश कौर के आराध्य देव भगवान राम के लिए बनवाया था, लेकिन पश्चिमी बुंदेलखंड पर मुगल आक्रमण के कारण यह पूर्ण नहीं हो पाया। दोस्तों ये चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर का प्रवेश द्वार है, और इस मंदिर के ऊपर से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है ऊंचा का। ये सामने जहांगीर महल दिख रहा है और सामने बैतूल। दोस्तों ये चतुर्भुज मंदिर में हम प्रवेश करते हुए, चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों चतुर्भुज मंदिर में आपको आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों चतुर्भुज मंदिर एक मंदिर के साथ साथ मॉन्यूमेंट स्मारक की तरह भी लगता है। दोस्तों चतुर्भुज मंदिर बहुमंजिला इमारत के जैसा मंदिर है, जहां ऊपर जाने के लिए नीचे आपको कई सारे दरवाजे मिल जाते हैं, जहां से ऊपर जाया जाता है। दोस्तों ऊपर जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है। चतुर्भुज मंदिर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता हुआ जहांगीर महल का। दोस्तों चतुर्भुज मंदिर में ऊपर के कक्ष में जाने के लिए आपको जाते समय भूल भुलैया ऐसा लगता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको ऊपर कहां से जाना है। दोस्तों आप ओरछा आए हैं और चतुर्भुज मंदिर गए हैं, चतुर्भुज मंदिर के टॉप पर यानी छत पर जरूर जाएं, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर के टॉप से जो पूरे ओरछा का नज़ारा दिखता है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। दोस्तों हम चतुर्भुज मंदिर के अभी छत पर हैं, टॉप पर हैं, जहां आपको चतुर्भुज मंदिर की छतरी दिखाई देगी, शिला दिखाई देगी, बगल में आपको ये गुंबद दिखाई देगी, और इसी छत से आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा जहांगीर महल का भी दिखाई देगा। दोस्तों यहां से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये सावन भादो टेम्पल आपको दिख रहा है, उसके बगल में बाबा हरदौल का मंदिर दिखाई दे रहा है, और ये आपको राम राजा का मंदिर आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखता है ऊपर से। और राम राजा के मंदिर के पीछे आपको महालक्ष्मी मंदिर दिखाई देता है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चतुर्भुज टेंपल के छत पर आपको एक अद्भुत नज़ारा आपको पूरे टेंपल का, पूरे ओरछा का यहाँ से दिखाई देगा। तो आप चतुर्भुज मंदिर जरूर आए। चलिए दोस्तों अब आपको बैतवा नदी के दर्शन कराते हैं। अगर बैतवा जी में आपने नहाया नहीं तो आपकी ओरछा यात्रा इनकम्प्लीट रहने वाली है। दोस्तों अब हम ओरछा के पुल के दूसरी तरफ तुंगरण अभ्यारण चलते हैं, यहाँ का टिकट ₹50 पर हेड है। यहाँ से हम बोट लेकर आपको ओरछा की बैतवा नदी का बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ से आपको नदी के दूसरी तरफ बनी कई सारी छतरियों का
बहुत ही सुंदर व्यू आता है। दोस्तों मैं आपको बेतवा नदी में पेड़ों से बनी हुई एक ट्रेल दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको केरल के पूर्वज की याद आ जाएगी। दोस्तों ओरछा में बोटिंग और रिवर राफ्टिंग बहुत ही नॉर्मल चार्जेस पर हो जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं सही टूरिस्ट रिवर राफ्टिंग का मजा लेते हुए। दोस्तों हम ओरछा की बेतवा नदी में बोट का लुत्फ लेते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पर। यहाँ मेरे साथ दोस्तों बेतवा नदी में पेड़ों की इतनी सुंदर टेल देखने को मिलती है कि मन करता है पूरा दिन यहीं बैठे रहूँ। दोस्तों यहाँ बोटिंग के बहुत ही नॉर्मल चार्जेस होते हैं, 50 रुपये पर हेड चार्जेस होते हैं। और यहाँ आपको पैडल बोट भी देखने को मिलेगी। हो क्या नज़ारा है। ओरछा की बेतवा नदी का क्या नज़ारा, बहुत सुंदर। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा बेतवा नदी का, यहाँ से 4 से 5 फुट ऊपर से झरना बहता हुआ। और हम ओरछा की बेतवा नदी में बोटिंग करते हुए और ये कल कल करती हुई झरने की आवाज बेतवा नदी का बहता हुआ पानी। बहुत सुंदर छतरियां और ये बेतवा नदी का तेज बहाव। तेज बहाव में बहती हुई बेतवा जी, बहुत ही सुंदर नजारा। ऐसे नदी में नहाती हुई आनंद लेती हुई नहाने का। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, जैसे एलपी और कूबर में बैक वाटर्स की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है ये नज़ारा।
मेन पुल दिखता हुआ जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए केरल के एलेप्पी और केरल के पूवर जैसा नज़ारा, बैक वाटर्स जैसा नज़ारा, ओछा की बेतवा नदी में आपको दिखता हुआ, बहुत सुंदर जगह है, आप जरूर आए तो। और इधर बोटिंग का आनंद जरूर लें। बैक वाटर जैसा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी अलग दुनिया में आपको अलग सुकून मिलेगा, आपको एक अलग शांति मिलेगी। तो यहाँ आकर आपको केरला के बैक वाटर्स का थोड़ा फील आएगा। यहाँ पर आपको केरला के पूवर्स के बैक वाटर्स का थोड़ा सा झलक देखेगी, थोड़ी सी याद आ जाएगी अगर आप बेतवा नदी के इस पोर्शन को देखेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत सुकून मिलता है इस जगह पर। आपको पानी की कलकल करती हुई आवाज़ सुनाई देगी, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, पेड़ के नीचे आप छाया के नीचे बैठिए आराम से या सुकून में। बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों इस जगह इतनी शांति है कि यहाँ आने के बाद आपका मन करने लगेगा कि आप पूरा दिन यहीं बैठे रहें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी की कलकल करती हुई आवाज़ और चिड़ियों का चहचहाना ही आपको सुनाई देगा। दोस्तों अब हम बेतवा नदी के पुल के ऊपर से गुजरते हैं, जहाँ से आपको बेतवा नदी का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। दोस्तों ये मेरी ओछा सीरीज का पार्ट वन वीडियो है, आगे मैं और भी पार्ट लाऊंगा ओछा के। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जहांगीर किला, राजा महल, यहाँ की कई सारी छतरियाँ, महालक्ष्मी मंदिर और ओछा के जंगलों की सैर कराऊंगा।